पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीजें हैं कि यहाँ पे हम गए, ये स्टार्ट बटन है, ये तो सबको जानते हैं। इस डेस्कटॉप पे होता क्या है कि जैसे ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहे हैं, कंप्यूटर दिखने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे टैली दिख रहा है, एडोब पेज मेकर हुआ, फिलिकॉम यहाँ पे हुआ, जितने भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल है वो टोटल चीज दिख रहे हैं, शर्मा टाइपिंग, मास्टर टाइपिंग, यहाँ पे हर चीज एक्टिवेट भी है और काम भी कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिस्टम सिचुएशन आता है या समय आता है कि ये डेस्कटॉप का कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चीजें कैसे सोल्व होंगे और कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आप किसी ऑफिस में काम कीजिए या फिर आप कहीं पे भी काम कीजिए तो ये प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो ये सारे जितने भी डेस्कटॉप पे है, काम करते करते अचानक आपको डिस्प्ले पे नहीं दिखेगा, तो ये ध्यान में रखिए कि वो दिखेगा कैसे। तो सबसे बड़ी चीजें है कि हम आपको पढ़ाए हैं और ये भी आपको हम बताए हैं कि टास्क बार होते क्या है। तो ये सारे चीजें प्रॉब्लम होते हैं, टास्क बार से ही प्रॉब्लम होते हैं। अगर टास्क बार आपको ध्यान में है तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होते हैं, और एक और सेटिंग से होते हैं प्रॉब्लम। दोनों सेटिंग आपको हम बता देते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं और कैसे उससे निदान हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको देखा गया है, यहाँ पे ये टाइम एवं डेट यहाँ पे शो कर रहा है, टाइम यानी 7:01 और पीएम हो रहा है। तो इस कंप्यूटर की टाइमिंग क्या है, गलत है। तो सबसे बड़ी चीजें हम यहाँ से टाइमिंग को भी सुधार लेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसको टाइमिंग ही नहीं पता है कैसे सुधरेगा सिस्टम का और टाइमिंग बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीजें हैं कि टाइमिंग सिस्टम को खराब होता कैसे है, इस पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि टाइमिंग हमारे सिस्टम को बार बार खराब क्यों हो जा रहा है। हम आज सेट किए फिर कल देखते हैं तो मेरा टाइम खत्म हो जा रहा है, फिर ऑटोमेटिक अपना चेंज हो जा रहा है, ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है कि इसके अंदर सीपीयू के अंदर बैटरी लगा हुआ रहता है, थोड़ा सा इतना बड़ा बैटरी होता है, उस बैटरी में क्या होता है, वो बैटरी शॉर्ट हो जाता है। इसके कारण अब जब भी शटडाउन कीजिएगा और शटडाउन करने के बाद उसका टाइमिंग बंद हो जाता है और फिर उसको ओपन कीजिएगा तो टाइमिंग फिर आपका क्या होगा, जितने बजे बंद रहेगा उतने बजे से वो फिर स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं सिस्टम बंद होने के बाद भी इसका टाइमिंग चलता है जब तक वो बैटरी सही रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइमिंग को सबसे पहले तो हम ये जान गए कि टाइमिंग मेरा बंद या खराब कैसे होता है। अब उसको निदान करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो उसकी बैटरी को चेंज करेंगे या चेंज करवाएंगे किसी से, किसी भी दुकानदार से जो सिस्टम बनाता हो। और सबसे बड़ी चीजें हैं, अगर नहीं है तो जब भी हम खोले तो कैसे उसको टाइम को सेटिंग कर दे ताकि सही दिखाने लगे जब तक मेरा सिस्टम ऑन रहे। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात है, इसे हम कैसे सुधारते हैं। तो इस वाले कर्नल पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे तो इस तरह आ जाएंगे। सिंगल क्लिक किए यहाँ पे, यानी माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे गए और दबे तो इस तरह से आ गए। यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग दे रहा है, इस पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया माउस के लेफ्ट बटन तो इस तरह से क्या हुए, ओपन हो गए। इस तरह से एक बॉक्स खुला और इस बॉक्स का काम है यहाँ से टाइमिंग और डेट और चेंज करना है। आप कर सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं टाइम एंड डेट, और इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसका अलग अलग इस्तेमाल होते हैं और सबका अलग अलग होने हैं। तो ये क्लोज के बारे में जानते हैं और ये कैंसिल के बारे में, दोनों को नाम अलग अलग है, काम सेम है। और सबसे बड़ी चीज है हम इसको कैसे ठीक करें। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं चेंज डेट एंड टाइम, इस पे हम क्लिक करते हैं माउस का लेफ्ट बटन। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंतर्गत हम इसको चलते हैं सुधारने कैसे सुधरता है। तो सबसे बड़ी चीजें है नवम्बर 2022, ये सही है, आज 8 तारीख हो रहे हैं, ये सही है। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, अगर कभी काल गलत रहता है ईयर, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ईयर खुल जाएगा। आपको सुधारने के लिए बता दे रहे हैं, अगर किसी किसी में सिस्टम में ईयर क्या होता है,
खराब हो जाता है या बंद हो जाता है या किसी तरह से फॉल्ट हो जाता है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ईयर आ जाएगा। अब कौन सा है, साल का आपको रखना है, 2025, 2026, 2021, 2022, 2023, वो आप देख लीजिए अपने घड़ी में या मोबाइल में और वहां से चूज कर लीजिए। 21 है तो भाई 21 ले लो, या 22 है तो यहाँ से 22, या 19 है तो 19, जो भी लेना है आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। अब देखिए आपने 19 कर दिया भाई, तो इसमें कहीं तो 22 दिख ही नहीं रहा, तो 22 आएगा कहाँ, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएगा समझ में। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, हम इस कर्नल पे जो दिए गए हैं यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहे हैं वहां पे माउस का लेफ्ट बटन हम क्लिक करेंगे। चलिए आप लोग के सामने हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर रहे हैं। देखिए हमने जैसे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दिए तो फिर आ गए 22, यहाँ पे 23, 24, 25, 26, जितने भी ईयर हैं इस तरह से आपको शो करेंगे। या फिर इधर जाएंगे तो इधर बैक में जाता चला जाएगा पीछे की तरफ, और यहाँ पे 1980 से लेके 1989 से स्टार्ट है और उससे नहीं है तो उससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिए जा रहा है जितने भी आपको यहाँ पे 2099 तक दिया गया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग 20 से मतलब है और 22 से, तो चलते हैं हम उस वाले पे, 10 वाले पे आ गए। फिर यहाँ से कर्नल पे हम क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे 20, 10 10 करके दिए गए हैं, और यहाँ से हम 22 वालों को सिलेक्शन कर लेंगे। अब अप्रैल ले रहा है, इसको सुधारना होगा, ईयर हमने चेंज किया तो यहाँ पे भी डेट भी क्या हुआ, गलत हो गया, तो इसे सही करना है। यहाँ पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, हमने ईयर चूज कर लिए हैं, लेकिन अब इसके बाद हमको मंथली चेंज करना है। अप्रैल है तो हमको जाना है नवंबर में, तो नवंबर कैसे आएगा भाई, तो नवंबर में सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन इस कर्नल पे क्लिक करेंगे जहाँ ये माउस बिलिंग कर रहे हैं, तो उस पे हमने गया और यहाँ पे हमने क्लिक किया था नवंबर, यहाँ पे अप्रैल के बाद मई आए, जून जुलाई सितंबर नवंबर यहाँ पे आ गए, अगस्त एक बार हम फना दिए, एक को गैप करके हमने ले लिए। तो यहाँ पे हमने आ गए, आज क्या तारीख है, उस तारीख पे उस डेट पे जाके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए जब भी कोई आदमी बोले तो समझना है माउस का लेफ्ट बटन ही दबना है। यहाँ पे गए और हमने क्लिक कर दिया। अभी टाइमिंग कितना, हमने तो डेट क्लियर कर चुके भाई, अभी टाइमिंग कितना और अब टाइम को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ डेट तो फिक्स हो गया, अब उसके बाद टाइम कितने हो रहे हैं, तो 8 बजकर कितने हो रहे हैं, 8 बजकर आपको अभी 8 बजने में अभी कम है 2 मिनट, तो 7:58 हो रहे हैं, तो 7 रहने देंगे, यहाँ पे 58 कर देंगे या 59 कर देंगे। यहाँ पे अब 1 मिनट जितने मिनट आपको फास्ट रखना है तो हमने 59 कर दिए। सेकेंड कितने हो रहे हैं, सेकेंड भी देख के आप बना सकते हैं सेकेंड चाहे तो। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम है कि पीएम रखे या एम रखे, बहुत ऐसे स्टूडेंट है, बहुत ऐसे आदमी है जिसको अभी पता ही नहीं रहता है कि पीएम क्या होता है और एम क्या होता है, पीएम और एम कब चेंज होता है ये भी नहीं पता है, तो चलिए उसके बारे में भी कुछ हम आपको बता देते हैं। तो सबसे बड़ी चीजें हैं पीएम और एम कब चेंज होते हैं, जब आपका 12 जैसे बजता है तो 12 बजे के बाद पीएम होगा और 12 बजे के बाद एएम होगा, लेकिन कौन 12 बजे के बाद पीएम होगा और कौन 12 बजे के बाद एएम होगा इसके बारे में कौन बताएगा, किसी को पता है क्या, तो पता है तो खड़े हो जाए और जरूर बताए, बोलिए, तुमको फोन की परवाह है तो फिर पढ़ेगा कैसे। तो चलिए यहाँ पे पीएम और एएम के बारे में को बताएंगे, चलिए खड़ा हो जाइए जो भी बताने वाले हो, आप लोग से भी पूछ रहे हैं, आप ही लोग से बताइए, हम बताएं सर, बताइए, सुबह 12 बजे कब आ जाता है एएम, हाँ सुबह में पीएम, क्या सुबह में पी, 12 बजे का आधा है, 12 बजे का, हाँ बताइए, अभी सुबह के टाइम एम और ये 12 बजे जाता है ना, दोपहर से मेरा पीएम हो जाता है 12 बजे, रात को 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक एम रहेगा, फिर दोपहर के बाद पीएम हो जाएगा। तो रात में चेंज होता है या दिन में चेंज होता है, अगर आपसे पूछा जाए पीएम और पीएम रात में चेंज होता है कि दिन में चेंज होता है, सिर्फ रात में होता है, रात दिन दोनों होता है,
देखिए सर, रात के बाद एम हो जाता है, मतलब 12 बजे के बाद, और दिन में मतलब 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है। 12 घंटे में यानी चेंज होते रहता है। तो चलिए, रात को जब 12:01 होएंगे या 12 बजेंगे तो आपको एम यहाँ पे हो जाएंगे, और 12 बजे के बाद दिन में पीएम रखना है, 12 बजे रात से पहले और 12 बजे दिन के बाद से, और फिर 12 बजे रात के बाद से और 12 बजे दिन से पहले एम रहेगा। तो अभी दिन हो रहे हैं तो यहाँ मॉर्निंग टाइम है, तो यहाँ पे हम एम कर देंगे, इस कर्नल पे क्लिक करेंगे, तो एक बार करेंगे तो पीएम आएगा, एक बार करेंगे तो एम आएगा। अब पीएम दूसरा पीएम नहीं समझना है, समझ गए, इसलिए यहाँ के देखना है पीएम। प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम हमने रख लिया और यहाँ से सारी सेटिंग कर ली है, तो अब यहाँ से हमको ओके कर देना है। ओके कर दिए और फिर यहाँ से भी आई ओके कर दी। देखिए यहाँ पे 7:59 11/8/2022 यानी टाइमिंग चेंज हो चुका। तो ऐसे करके हम टाइम चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि कैसे कोई चीज का हम चेंज कैसे करते हैं कि जो उस पे नाम लिखे वो मेरा डिस्प्ले पे चलता रहे। तो चलिए हम यहाँ पे जाएंगे, और सबसे पहले उससे पहले मेरा क्वेश्चन था क्या कि ये हाइड कैसे होते हैं डिस्प्ले कोई काम करते करते, यही ना था। तो उस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, आपको कोई काम करते करते, जैसे हमने वर्ड पे कोई काम किया बाबू, यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने शॉर्टकट से कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, R A N D Rand Start Ablink End Enter, हमने यहां तक कर दिए, और करते करते टाइप कर रहे भाई, यहां अगर माउस चला गया, देखिए माउस की बड़ी इसमें बहुत ज्यादा भूमिका है, और यहां पे जाते जाते इस कर्नल के सामने चल के रह गया, तो क्या हो जाएंगे, डेस्कटॉप अभी शो कर रहे हैं, और यही चीजें अगर यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, खत्म हो गया, और यहीं पे आपके लिए करेंगे तो आ जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से खत्म हो जाता है, यहीं से निकल जाता है, तो ऐसा ना समझे कि मेरा सारा काज खत्म हो गया है। अब ऐसे करके जैसे हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और फिर यहाँ से निकालते हैं, सेम प्रोसेस यही यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इस कर्नर पे जाके, या तो इधर जाके हमारे लिफ्ट बटन क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ इस कोना पर आके क्लिक कीजिए, जिधर मन है उधर आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए इधर क्लिक करेंगे तो टाइम एंड डेट होगा, इस कोना पे जाके क्लिक कीजिए, या फिर आप इधर क्लिक कीजिए, ठीक है। सो डेस्कटॉप करेंगे, डेस्कटॉप पे दिखाना है तो एक बार क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, एक बार करेंगे तो दिखाएगा, हाइड और शो दिख रहा है यहाँ पे, देखो तेरा शो, अब लिखेगा हाइड, ये शो करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाइड आएगा, शो आएगा, इसका यही काम है छुपाना, मिनिमाइज और हाइड और शो करना, यहाँ पे छुप जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो दिख रहा है मीनू, ये जो मीनू जो दिख रहा है कैसे छुपेगा। कभी कभी कोई बच्चा आपके घर में काम कर रहे हैं तो करते करते क्या होंगे, वो छुप जाता है, जैसे कोई चीज इसमें क्या किया, काम किया, और काम करते करते सारा मेनू भाग जाता है, तो उससे सब कोई पिटता है कि खराब कर दिया, और फिर जाएगा मिस्त्री लग तो ये बनेगा, पता ना ये सब डाटा है, तो डाटा खत्म कर दिया कि बचा हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज है हम उसको कैसे लाएंगे, तो वो लड़का क्या होता है, उसको तो पता नहीं रहता है कौन चीज हम कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है जब बड़े बड़े झूला पे आप लोग बैठे होइएगा, टावर वाला झूला पे जब नए नए जब कोई बैठता है तो उसको डर लगता है, और डर लगने के कारण ये भी होता है, हे भगवान बचेंगे कि जाएंगे, अभी तक मतलब ऐसा कभी कभी उसको ये सिचुएशन आ जाता है कि यहाँ से कब हम उतर जाए सही सलामत, होता है या नहीं होता है। या कभी कभी नए आदमी अगर ब्रेक डांस पे बैठ के झूला झूल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, हो गया कल्याण है, उपाय में चिचिया रहा है, वो लोग समझता है कि उसको ये आ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे घूम रहा है, चाहे एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो वही जानता है कि उसको क्या हो रहा है, समझ गए,
वही स्थिति यहाँ पे है उस बच्चा के साथ होता है कि कहाँ आप जा रहे हैं और कहाँ आ जा रहे हैं। अगर वीडियो चल जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है, वीडियो चल जाए कंप्यूटर में तो बहुत ज्यादा, खराब हो गए तो डरे बना रहता है कहीं पिटा ना जाए गार्जियन से, समझ गए। तो वही डर वहां पे है, यही डर उस बच्चा के साथ है। तो उस बच्चा के साथ है तो सबसे बड़ी चीजें है कि आपको फुल नॉलेज रखनी होगी। देखिए जब तक आप मेरे सेंटर पे पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो क्या होता है ना कि हम लोग लैब इतना फ्री दे देते हैं कि जितना मन है उतना कीजिए, खराब होगा मेरा जाएगा, होता है या नहीं होता है, ऐसा होता है ना। कभी किसी के साथ हम लोग बोलने नहीं गए कि हाँ कि आप इस तरह इसको काहे चला रहे हैं, चाहे इस तरह का है, हम लोग दे देते हैं आप एक घंटा जिस तरह आपको चलाना है चलाइए, टाइमिंग अगर खत्म होती है तभी हम जाके बोलते हैं जब नेक्स्ट कोई बच्चा आता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने क्लास पे यहाँ पे बात करते हैं कैसे वो छुपा लेता है बच्चा जिसको पता नहीं रहता कहीं से कहीं चला जाएगा, उसको आग और पानी से डर ही नहीं रहता कि आग क्या है और पानी क्या है, ठीक है, जब तक पैर नहीं जले जब तक उसको पता नहीं चले या हाथ न जले जब तक। उसी तरह चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, ये छुपता कहाँ से, चलिए यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग ये वाले अवसर पे हम चले जाएंगे और कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे खाली जाकर यहाँ खड़ा हो जाना है। जैसे हमने देखिए अभी वहां पे खड़ा हो गए व्यू पे, व्यू पे जाके एकदम बैठे हुए हैं, व्यू पर से देख रहे हैं, जैसे किसी छत पे आप चले जाइएगा उस छत से जिस दिशा की ओर देखिएगा उस दिशा के जितने भी सामान या वस्तु है वो सारे चीज दिखाई देंगे। आपसे बड़ा छत हो तो जितना हिस्सा उसका दिखने वाला होगा उतना हिस्सा उसका दिखेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब व्यू के पास हम चले गए हैं और व्यू पर जाने के बाद क्या हुआ है मेरा, यहाँ से जो भी है हम वहां से देख रहे हैं, है कि नहीं है। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखना होगा और उसके बाद क्या करना होगा उस चीज को देखनी होगी। तो चलिए यहां से हम लोग देख रहे हैं और ध्यान में भी रखे हैं कि फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा है उसको लिखा हुआ है लार्ज आइकॉन और उससे नीचे वाला मीडियम आइकॉन। तो यहाँ सारे चीजें दिए गए हैं और इसी हिसाब से आपको सारे चीज को चलना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप कीजिएगा उसी तरह आपका वर्क होता चलेगा। तो चलिए हम इसके अंदर दिए अभी से यहाँ चलते हैं एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम आगे कहा लार्ज आइकॉन, इससे होता है एकदम पूरा बड़ा बड़ा दिखेगा। अब कैसे बड़ा बड़ा दिखेगा, जैसे दूरबीन लगा कर देखता है उसी तरह दिखेगा, उसमें भी आता है। नजदीक का देखना हो तो लेंस को थोड़ा नचा दो, दूर का देखना हो तो थोड़ा लेंस को नचा दो, उसी तरह कितना पे एडजस्ट करके आपको देखना। जैसे आप कोई पीक लेते हैं कैमरा से उसी तरह आप जूमिंग करके लेना है कि जूम इन करके लेना है कि जूम आउट करके लेना है, मतलब बड़ा करके लेना है या छोटा करके लेना है, वो चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। और इसीलिए सब कोई कैमरा मैन नहीं बन सकता, जिसका उस पर ज्यादा कमांड होगा वही कैमरा मैन अच्छा बन सकता है। कम चलाओ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर सब पढ़ता है लेकिन कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज ले लेना सबकी बात की बात नहीं है। लेकिन गौर कीजिएगा तो आप लोग भी लीजिएगा, हम लोग का मेहनत करना काम है, आप लोग का पढ़ना काम है, नहीं पढ़िएगा नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर आपको नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पे इसका मतलब है बारह, चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं और इसी में आपको दिए गया है वो क्वेश्चन जो सोल्व हो जाएंगे। तो लार्ज करते हैं, ये बड़े है, पूरा हाईएस्ट बड़ा है इसलिए नहीं हुआ, मीडियम करते हैं बाबू। देखिए ये आइकॉन मीडियम हुआ कि नहीं हुआ, तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्लास इधर चल रहा है, तुम्हारा ध्यान किधर है। चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, राइट क्लिक कर दिए फिर उसी तरह जाएंगे, ये लार्ज मतलब बड़ा और इसी तरह इससे मीडियम छोटा, इसमें किसी को दिक्कत। फिर यहाँ से हम आ जाएंगे स्मॉल आइकॉन, अब ये सबसे छोटा कर देगा, जैसे हमने बड़ा कर दिए और सबसे छोटा यहाँ पे स्मॉल कर दो भाई, छोटा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं ये सारी सेटिंग, और ये तीन सेटिंग के बारे में हमने बता दिए, चौथा सेटिंग कैसे होता है इसका नाम है ऑटो अरेंज आइकॉन। इसका मतलब पहले समझ जाइए फिर उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये कब होता है, जब ये तीनों में से कोई सी पे भी क्लिक रहे तब होता है। तो चलिए हम एक पे क्लिक कर देते हैं, बड़ा बड़ा रहेगा तो आप लोग को दिखेगा आंख पे प्रेस नहीं पड़ेगा प्रेशर। तो
तो देखिए अब कोई बच्चा इसमें क्या करता है, इसको लेफ्ट बटन दाब कर खींच के कर दिया ईरघाट से बीरघाट। अब आइएगा तो आप देखिएगा तीरघाट तो उल्टे जाकर चौथा घाट दाब देते हैं, तो देखिएगा कोई नहीं। अब कोई सामान इस घर में रखे है भाई, इस घर में यहाँ पे रखे थे तो अभी उठा के गाड़ी यहाँ रख दिया, बाइक यहाँ पे था और यहाँ ले जाकर रख दिया, तो जो बाइक वाला आएगा उसको तो दिमाग खराब होगा, अपने घर वाला हो चाचा हो चाहे जो भी हो, तो बिना पूछे वो ले जाकर रखिएगा तो दिक्कत होगा। तो एसी को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दाब कर ऐसे ले जाना होगा। और कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हैं कि नहीं पहले सी वाला आ जाए फिर टी वाला आ जाए, या फिर जिस डेट से हम डाले उस डेट से हो जाए, या कोई चीज हम जैसे मान ली कि हमको यहाँ रखना है चाहे वहां रखना है, तो ये अभी कहीं नहीं रखा रहा है ना, नहीं ना रखा रहा है, तो इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है, इसको हम टिक को हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे यहाँ रख दिए, बच्चा सब ले जाके कोनो इधर रख देता है भाई, यहाँ रख देता है, ये क्या कर दिया, वो क्या किया बाबू, ये तो समझे में नहीं आ रहा, ये कहीं और रख दिया, रखा ना नहीं आ रहा समझ में, तो इसको जिधर मन करना है उधर वो रख देता है, तो इसीलिए वो खा लेता है थप्पड़, तो सही हो जाता है कि नहीं हो जाता है, एक दिन खाएगा दो दिन खाएगा तीन दिन खाएगा चौथा दिन उसको सुधारना ही है। जैसे यहाँ पे आपके क्लास में रवि रंजन नाम का है, हमेशा वो मास्क ही पहन के आता है, कभी कोरोना भाग गया ना, यू आने वाला होगा तो कोरोना आ जाएगा क्लास में, ऑफलाइन से ऑनलाइन में घुसा देगा। तो यहाँ पे बोले उसको मास्क चेंज कर लो तो नहीं चेंज करता, तो करेंगे करेंगे कब करेगा, करते करते दूसरा कोई तुम्ही को चेंज कर देगा, इसीलिए थोड़ा चेंज करो, पुराना हो गया नया लगा लो। चलो यहाँ पे कलर चेंज कर देना जरूर, हाँ कलर खतरनाक है उसका। यहाँ से हमने ले लिए ये, इधर कर, इधर कर लिए उधर कर लिए, जिधर करना है उधर कर लिए या नहीं कर लिए। अब देखिए उसको कैसे एडजस्ट करते हैं बाबू, तब एक एक करके आया, तो आप इसको यहाँ रखना है तो यहाँ रखिए, और नहीं रखना है तो मत रखिए भाई, यहाँ पे रख दिए ना। लेकिन ये सबको जब इधर इतर बितर कर दिया है तो सबको करने में हमको टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं टाइम, बहुत सारा टाइम लगेगा, तो उसी को राइट बटन क्लिक करेंगे, इसमें तीनों ऑप्शन पढ़ा दिए थे ना बाबू, चौथा ऑप्शन पढ़ाना अभी इसको, ऑटो अरेंज आइकॉन, ये ऑटोमेटिक कर लेगा, ऑटोमेटिक जगह को शिफ्ट कर देगा, उतना मेहनत करने की झंझट नहीं है, एकदम कंप्यूटर नाम है, कंप्यूटर जैसे इसका काम है, फास्ट काम करता है, ऐसे ही इसका कंप्यूटर नाम नहीं पड़ गया, ठीक है। तो यहां से हम क्लिक कर दिए इस पे, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया ना, किया या नहीं किया। तो चलिए हम यहां से एक दो तीन चार हमने आपको बता दिए, इसका नाम है, आपको ग्रेड की तरह करना है तो कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं, आपको इसमें जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं, उससे नीचे आपको दिए गए हैं इसमें वही है आपको शो और हाइट, अब एक एक करके दिखाएंगे, टाल टाइम लगेगा। सबसे पहले चीजें शो और हाइट पे हम लोग देख लेते हैं, जिसका हमारे पास क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या है कि शो डेस्कटॉप आइकॉन, अभी इस पे ठीक है तो भाई दिख रहा है, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए हमने इतना टाइम वेस्ट करके रुके हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सब कोई, चलिए यहाँ पे हम जैसे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये बच्चा क्या करेगा, सबको खत्म कर देगा एक ही बार में, फ्री फायर की तरह या पबजी की तरह बोलो। तो इस पे हमने क्लिक कर दिए और देखो ये कैसे गोली से पूरा को भूम दिया, खत्म कर दिया, जितना भी बंदा था सबको क्या किया, खत्म कर दिया, मर गया। अब फिर बंदा लोग को कैसे आएगा, फिर इस जगह से दूसरे रास्ता जाएगा, वही बच्चा भटकता था यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से फिर सब आ जाएगा, और फिर अकेले सबको लड़ते रहिए और फिर यहाँ से करते रहिए। तो ये सारे चीजें हैं, सो डिस्टर्ब आइकॉन समझ गए, इसमें किसी कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो जरूर बोलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तब पर भी बोलिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं अगला आइकॉन, यहाँ पे शो डिस्टर्ब
इसके अंतर्गत आपको करना है तो इस पे आप कीजिए, या जिस पे आपको करना है उस तरह कीजिए। तो सबसे पहली चीज है हमको यहाँ से ये टिक कट गया, तो यहाँ से एक टिक करेंगे तभी ये जाके दोनों हाईलाइटेड होंगे, नहीं तो नहीं हाईलाइटेड होंगे। ये क्वेश्चन रख सकते हैं आपको कंप्यूटर के जब भी एग्जाम होंगे जब, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ आ गए, और यहाँ से ये सारी चीजें क्लिक करके आप लोग देखेंगे आपको होंगे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, टाइम लैप्स हो रहे हैं, यहाँ पे आगे हम लोग उसका बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी का नाम कैसे शो करता है डेस्कटॉप पे जब हम डेस्कटॉप पे काम करना छोड़ देते हैं, तो कहीं कहीं जाते हैं तो वो नाम वहां पे शो करता है। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, यहाँ पे जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से कंट्रोल पैनल करके एक खुलेगा, और ये खुलने के बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देते हैं, फुल स्क्रीन हो जाएगा 12 सा, ताकि सब किसी को दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे ये दिखेगा तो अब इसमें करना क्या है बाबू, तो सबसे बड़ी चीजें हैं इसमें आपको दिया हुआ ये सारी चीजों को देखना है, और सबसे बड़ी चीजें है इससे आपको पीक चेंज होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, सबको हम बता दे रहे हैं और फिर वो वाले पे हम चलते हैं और फिर हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेंगे तो डिस्टर्ब पे जो पिक्चर चेंज होगा वो आपको दिखेगा, नहीं तो फिर आपको मिनिमाइज कर करके आपको हमको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, इस पिक्चर को अगर रखना है तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए भाई, तो यहाँ से आपको ये चेंज हो गया और मिनिमाइज करके देख लीजिए। देखिए हमने जिस पिक्चर पे क्लिक किए थे वो पिक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, जैसे हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए उस तरह से वो चेंज हो गया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट फिर उसको निकालते हैं और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, रिस्टोर डाउन यानी छोटा। अब यहाँ से करेंगे तो दिखेगा, और यहाँ से क्लिक करने के बाद इस पे अगर विंडो की तरह रखना है एरोन 7 की तरह, तो इस पे हम क्लिक करेंगे भाई। जैसे हमने क्लिक किए कुछ ही सेकंडों में ये सारे चीज के पिक्चर चेंज हो जा रहे हैं। अगर मुझे ये वाला रखना है भाई तो ये वाला रखो, देखिए इस तरह चेंज हुआ। अगर ये वाला रखना है तो ये रखिए, जिस तरह के फूल रखना है देखिए यहाँ पे इसकी कितना सुंदरता है, जो भी है ये आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं और इसे बड़ा भी कर सकते हैं। अगर ये पहाड़ वाला चाहिए पत्थर वाला चाहिए तो देखिए इसमें कैसे दिख रहे हैं, और इसमें जितने भी फोटो लगाए हैं वो धीरे धीरे कर करके आपको चेंज होते रहेंगे डेस्कटॉप पे। जब एक बार इसको क्या करना होगा, यहाँ से स्लीप मोड मारिएगा और फिर निकालिएगा तो आपको ये चेंज होगा, या थोड़ा देर रोक दीजिएगा तो फिर आपको यहाँ से ये सारे चीजें चेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद यहीं पे आप इसको क्या कीजिए, अब यहाँ पे नेचुरल रखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, नेचुरल आपको आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका आप इस तरह इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं चेंज यहाँ पे, तो यहाँ से चेंज कीजिए तो इसका इस तरह के आकार चेंज होंगे। फिर उसी में आपको दिए गए हैं यहाँ पे ये वाला रखना है तो भाई ये वाला चेंज कीजिए, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इधर पेड़ है पहाड़ है सूरज है बादल है, यहाँ पे देखिए जानवर सब है, इसी में रवि रंजन इसको चरा रहा है। तो रवि रंजन का कोई काम नहीं है, सिर्फ भैंस ही चराएगा और इसमें बकरी चराएगा, ये रवि रंजन का खेत है ठीक है, इसी कलर के वो मांस पहनता है मांस। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अब इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। अगर इस तरह से अगर रखना है बेसिक की तरह तो भाई आप बेसिक की तरह रखें, तो इस तरह से आपका इसका बेसिक चेंज हो गया हुआ ना। और यही सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहे हैं विंडो क्लासिक रखना है तो क्लासिक रखिए भाई, देखिए इसका कैसे चेंज हुआ, हुआ या नहीं हुआ। इसी में आपको समझना है एक और चीज, अभी इस तरह हाइट कंटेंट्स रखनी है तो हाइट कंटेंट्स रखिए, देखिए भाई कैसे हुआ। अगर आप सोइएगा तो दिक्कत होगा भाई, समझ में नहीं आएगा, पता नहीं रात भर क्या करता है सब, दिन में सोने लगता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे हाई कंटेंट 2, 1 को तो हम लोग देख लिए, अगर 2 करना देखिए इसके कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम यहाँ से देखिए भाई कैसे इसका चेंज हो गया।
देखिए सारे चीज को हमने चेंज किया ना, तो आप कहिएगा सर ये कैसे आप चेंज कर ले रहे हैं, देख रहे हैं इसमें अलग आ गए, पिक्चर रखना है तो पिक्चर में अलग दिखाई दे रहे हैं, ये वाला रखना है तो इसमें अलग दिखाई दे रहे हैं, सब में अलग अलग आपको दिए गए हैं और इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं और इसके अंतर्गत नीचे करके इसको लाकर आप स्क्रोल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से अगर हम लोग समझे तो थीम्स की तरह ये काम करेंगे, इसमें किसी कोई दिक्कत। और नेक्स्ट यहाँ पे टू वाला हमने कर लिया, अगर मुझे वन वाला भी कर लिए और यहाँ भी ये वाला हाईलाइट कलर यहाँ पे दिया गया ब्लैंक, तो सिर्फ ब्लैंक ही करे तो ब्लैंक ही होगा भाई, इसमें दोनों कलर मिक्स था तो ऊपर वाला भी आपको टाइटल बार जिसको हम बोलते हैं वो भी कलर हो रहा था। नींद खींचो, इसी तरह नींद खींचो वीडियो चालू करके। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे हाई कलर व्हाइट करना है तो सिर्फ व्हाइट कर दो बाबू, ये सारे चीजें हमने बता दिए। और जो भी कलर आपको रखना है डेस्कटॉप का वो आप कलर रख सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड कलर दिए गए हैं, अगर बैकग्राउंड कलर अपने से करना है भाई तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे आप अपने मन से कलर रख सकते हैं या ब्राउज कर सकते हैं या सॉलिड कलर रख सकते हैं। सॉलिड कलर का मतलब होता है कि ओनली एक ही कलर, तो मुझे ये कलर रखना है पिंक कलर भाई, गुलाबी कलर, जो कलर रखना है वो कलर आप रख सकते हैं। इसमें किसी तरह से किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बोले बताए बोलिए, है किसी को कुछ पूछना। यहाँ से जो भी कलर रखना चाहते हो कलर ले सकते हैं। यहाँ पे मोर दे रहा है तो मोर का मतलब होता है आप यहाँ से बना लीजिएगा, वो मोर नहीं कि जो उड़ता है। तो यहाँ से हमको ये दोनों के लेके यहाँ से आप मिला लीजिए और यहाँ से ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, पूरा है ऐड, देखिए यहाँ ऐड हो गए और यहाँ से कर दीजिए भाई। तो इस तरह सेव चेंज यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ये सारे चीजें। बैकग्राउंड किसी को गुलाबी कलर करना हो पिंक कलर तो यहाँ से भाई अपने से पिंक कलर बना लो, कौन सा पिंक कलर होता है या आपको ये वाला पिंक चाहिए तो ये वाला यहाँ पे ऐड कर लो और यहाँ से कर लो, पिंक कलर हो गया। तो जो भी कलर आपको रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं पिंक कलर, जो कलर देखिए टोटल पिंक कलर हो गया और यहाँ से जो कलर आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। चलिए अब फिर अपने जगह पे आते हैं और यहाँ से विंडो कलर आप रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कौन सी कलर आपको विंडो का रखना है यहाँ से ले लीजिए। अप्लाई, देखिए दो कलर हमने बताया ना आपको, इसमें आपको टाइटल पर जो ब्लैक है ब्लैक, रेड रखना है तो रेड रख सकते हैं। और ये कैसे चेंज होगा ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए किस तरह दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियां में जाइएगा तो वो अपना कलर अलग रखता है सॉफ्टवेयर पे, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो इस तरह से विंडो कलर हम बना सकते हैं। साउंड वाले कलर रखना है तो साउंड वाला भी कलर रख सकते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे साउंड कलर दे रहे हैं। अब चलिए हम लोग साउंड पे देखते हैं, ये एक साथ इसको स्टार्टिंग करेंगे तो ये सारे चीजें साउंड बजेंगे, यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं जो भी साउंड है वो साउंड आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से माइक रहता तो इसमें बजता तो यहाँ से साउंड लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं स्क्रीन, क्या दिया गया बाबू स्क्रीन, तो यहाँ से आप इसी में वो चीज समझना स्क्रीन सेवर। चलिए आगे जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, अब उसके बाद इसमें नॉन दिया गया है, इसमें 3D इफेक्ट हमको कर लेना है। देखिए किस तरह दिख रहे हैं, इस तरह से आप इसको प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, कमाल कुमार, कमाल कमाल खाली कमल कमल लिखा है। तो यहाँ पे अब तो नाम लिखा हुआ पे हम लोग आ गए, लेकिन हम लोग अपना नाम कब लिखेंगे भाई, अपना नाम से मतलब है ना, अपने कंपनी के नाम से मतलब है ना, दूसरा का नाम लिखा हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए उसको लिखने के बारे में आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे सेटिंग दिया गया, सेटिंग से लिखाता है, सेटिंग पे गए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दिए। जैसे हम सेटिंग पे जाते हैं और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते आता है टाइम और ये कहता है कस्टम टेक्स्ट,
तो कस्टम टेक्स्ट पे हम क्लिक करके, जैसे यहाँ पे क्लिक है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। जैसे हम चेंज करेंगे जिसका भी जो मन है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर क्लास का यहाँ पे नाम लिख दिया। यहाँ पे रेजुलेशन लो रखना है, हाई रखना है, जितना भी आपको रखना है वो रख सकते हैं इसको एडजस्ट करके। फंड यहाँ से कौन सा फंड में, ई वाला फंड है कि हिंदी में रखना है, इंग्लिश में रखना है, भाई कौन सा फंड में, यहाँ से आप उसको चूज कर लीजिए जिस फंड में रखना है उस तरह से। यहाँ पे ये फंड है बाबू, फंड यानी लिखावट की डिजाइन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हम रखते हैं, एरियल सब में आ जाएंगे और एरियल हम ले लेते हैं। यहाँ पे आ गए और यहाँ बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं और उसके बाद इसको हम ओके कर दिया। प्रीव्यू करके देख लेते हैं, आया इसके कंप्यूटर सेंटर। इसका कलर भी करना है तो इसी के अंतर्गत आपको यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ से बहुत सारे कलर आएंगे, जो भी कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। कस्टम कलर यहाँ पे दिया गया है, कस्टम यहाँ पे चूज कलर पे है, कौन सा कलर कर दे बताइए आप लोग, क्या रेड, कौन रेड भाई, ऐड करना है तो ऐड कीजिए, तो ओके कर दीजिए, हो गया यहाँ से ओके। फिर भी हो कहाँ गया, यहाँ ना हो गया। और उसका भी कलर करना है तो उसका भी कलर हो जाएगा, तो रेड हो गया, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये कुछ देर आपको रुकना होगा जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, 1 मिनट रुकना होगा। अप्लाई ओके, तो 1 मिनट हम अगर वेट करेंगे तो ये क्या होगा, शो करना स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट। तो नाम आपके डिस्प्ले पे क्या होगा, दिखने लगेगा। तो आज की क्लास इतना ही तक और फिर कल क्लास आपको बताएंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।